morning students of class 2. So today we are going to study the second chapter of moral value, that is a kind boy. So children, before starting the chapter, what is the meaning of kind? Kind ka meaning kya hota hai? Kind means generous or friendly. Or you can say ki koi parokari jaise bolte hain. So this story is of a kind boy, means एक स्टोरी है शुभम की जो कि बहुत ही काइंड है, बहुत ही अच्छा बॉय है. सो लेट्स स्टार्ट. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट शेयरिंग एंड केयरिंग, कि आपको हर के साथ शेयर करना चाहिए चीज़ें और सबकी केयर करनी चाहिए. देन केयर अबाउट पेट्स, जो भी पेट्स होते हैं उनकी केयर करनी चाहिए. हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए. मेक अदर्स हैप्पी, और दूसरों को खुश करना चाहिए. नाउ Let's start the story. Helping others is a good habit. दूसरों की help करना क्या होता है, एक अच्छी habit होती है, अच्छी आदत होती है. We should always help others. हमें हमेशा दूसरों की help करनी चाहिए. We should share our things with others. हमें हमेशा क्या करना चाहिए, दूसरों के साथ अपनी चीज़ें share करनी चाहिए. We should help our pets and be caring about them. हमें हमेशा अपने pets की भी care करनी चाहिए, okay? और उनकी help करनी चाहिए. इट मेक्स देम हैप्पी. तो अगर हम अपने पेट्स की केयर करेंगे सो उससे वो क्या होंगे, हैप्पी होंगे, खुश होंगे. अ बॉय नेम शुभम लिव्ड इन अ विलेज विद हिज पेरेंट्स. एक बॉय है जिसका नेम क्या है, शुभम. वो कहाँ रहता है, विलेज में रहता है अपने पेरेंट्स के साथ. ही वॉज अ गुड बॉय. ये कैसा बच्चा है, अच्छा बच्चा है, गुड बॉय है. ही वेंट टू हिज स्कूल डेली. वो रोज अपने स्कूल जाता है. ही ओबेड हिज टीचर्स, और अपने टीचर्स की भी ओबे करता है, मींस रिस्पेक्ट करता है. टीचर्स लव्ड हिम, और टीचर्स उससे क्या करती हैं, लव करती हैं. शुभम्स मदर ऑलवेज टोल्ड हिम टू हेल्प अदर्स. शुभम की जो मदर है वो हमेशा उनको क्या बताती हैं, कि हेल्प करो दूसरों की. गॉड हैज़ गिवन अस मैनी गिफ्ट्स. गॉड ने हमें इतने सारे गिफ्ट्स दिए हैं. वी शुड हेल्प द नीडी एंड द पुअर, शी सेड. तो वो क्या बोलती हैं, कि हमें जो जिनको नीडी, जो ज़रूरत है जिनको, या जो पुअर है, उनकी क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए. वन डे शुभम वॉज ईटिंग हिज टिफिन इन द स्कूल. एक दिन शुभम जो है वो स्कूल में टिफिन खा रहा था. ही सॉ दैट अ बॉय वॉज वीपिंग देयर इन द ग्राउंड. तो शुभम ने क्या देखा, कि ग्राउंड में एक बॉय जो है वो वीप कर रहा है. वीपिंग मीन्स रो रहा है. ही वेंट टू हिम. तो वो शुभम जो है वो उस बॉय के पास गया. वाई आर यू वीपिंग, आस्क्ड शुभम. अब शुभम ने क्या पूछा उस बॉय से, कि तुम क्यों वीप कर रहे हो, क्यों रो रहे हो. आई एम हंग्री एंड माई मदर इज़ इल, She did not give me food, the boy replied. अब boy ने क्या बोला, कि मैं भूखा हूँ और मेरी mother जो है वो ill है. Ill means बीमार है. She did not give me food, और उन्होंने मुझे food भी नहीं दिया, क्योंकि वो क्या है, ill है, बीमार है. ये boy ने reply किया. Come share my tiffin, said Shubham. अब Shubham ने क्या बोला, कि आओ और मेरे साथ मेरा tiffin share करो. Now Shubham gave his half food to him. Shubham ने अपना आधा food किसको दे दिया, उस बॉय को दे दिया. When he was coming back from school, he saw a dog. जब वो वापस अपने घर आ रहा था स्कूल से, तो उसने क्या देखा, एक डॉग को. The dog was shivering with cold. Shivering means वो कांप रहा था. तो डॉग जो था वो shivering means कांप रहा था, किससे, ठंड से. उसको ठंड लग रही थी, कोल्ड लग रहा था. शुभम took him in his arms and brought him home. शुभम उसको कहाँ लेके आया, डॉग को अपनी आर्म्स में लिया उसने, और कहाँ लेके आ गया, घर पे. शुभम मेड अ हाउस ऑफ ब्रिक्स फॉर दैट डॉग. शुभम ने उस डॉग के लिए क्या बनाया, एक घर बनाया. किसका, ब्रिक्स का घर बनाया. नाउ व्हाट ब्रिक्स मींस, ईटे. उसका उसने क्या बनाया, डॉग के लिए घर बनाया. ही गेव हिम सम मिल्क टू ड्रिंक, और शुभम ने डॉग को कुछ मिल्क भी दिया थोड़ा सा ड्रिंक करने के लिए. डॉग वेक्ड हिज टेल इन हैप्पीनेस. चिल्ड्रन वेक्ड मीन्स हिलाना. तो डॉग ने खुशी में अपनी टेल, जो पूंछ थी, उसको वेक्ट किया, मीन्स हिलाया, क्योंकि डॉग बहुत खुश हो गया था. शुभम्स मदर वॉज वेरी हैप्पी विद हिम. शुभम की मदर जो थी वो उनसे बहुत खुश थी. शी टुक हिम इन हर आर्म्स एंड सेड. उन्होंने शुभम को अपनी आर्म्स में लिया और क्या कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन. कि उनको बहुत प्राउड फील हो रहा था अपने बेटे पे, तो उन्होंने बोला कि मैं तुम पे बहुत गर्व महसूस करती हूँ. You are really a good boy. कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो. Now so children, what morals have you learned from this story? We should always help the poor and the needy ones. हमें हमेशा जो लोग poor होते हैं या जिनको ज़रूरत होती है, हमेशा उनकी क्या करनी चाहिए, उनकी help करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए.
हेल्पिंग देम विल नॉट कॉस्ट अस एनीथिंग। अगर हम उनकी हेल्प कर देते हैं तो इससे ये नहीं है कि हमारा उसमें कुछ पैसा खर्च हो रहा है या बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आ रहा है उससे, बल्कि ये एक हम अच्छा काम करें, अच्छा वर्क करें उनको हेल्प करके। इन फैक्ट वी वुड गेट लव एंड रिस्पेक्ट इन रिटर्न। और अगर हम किसी भी नीडी या पुअर की हेल्प करते हैं तो इन रिटर्न हमें वो क्या देंगे, वो हमें लव देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, मीन्स हमसे वो प्यार करेंगे और हमारी क्या करेंगे, हमेशा रिस्पेक्ट। सो चिल्ड्रन ऑलवेज हेल्प द नीडी एंड द पुअर।